सिक्स क्वेश्चन नंबर फिफ्थ का सेकंड पार्ट इंटीग्रेशन कोसेक इनवर्स रूट एक्स प्लस ए अपॉन एक्स सब्स्टिट्यूशन कर रहे हैं अपन। ए एक्स बराबर क्या रखें कॉट स्क्वायर ए कॉट तो ए कॉट थीटा वन प्लस कॉट स्क्वायर नीचे कॉट वन प्लस कॉट स्क्वायर की बार लिख सकते हैं कोसेक स्क्वायर और कोसेक को वन अपॉन साइन सब्स्टिट्यूशन लेट एक्स इज इक्व टू ए कॉट और टेन दोनों माने जा सकते हैं तो हम इसको अगर टेन मानते हैं तो देखो ए और बारह आ जाएगा वन प्लस टेन स्क्वायर अपॉन ए टेन थी टेन स्क्वायर थीटा खत्म सेक स्क्वायर sec theta upon tan theta sin upon cos 1 upon sin से 10 मान लो डायरेक्ट 10 से हो जाएगा x is equals to a tan square theta substitution है a tan square theta तो ये cosec inverse root ए टेन स्क्वायर थीटा प्लस ए अपॉन ए टेन स्क्वायर थीटा कोसेक इनवर्स ए इज कॉमन वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा नीचे ए टेन स्क्वायर थीटा कोसेक इनवर्स ए से कैंसिल ए टेन थीटा एंड सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा डी एक्स रख दें टू ए टेन थीटा सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा और ये भी टू ए टेन थीटा सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा तो कोसेक इनवर्स ए से कैंसिल अंडर रूट सेक स्क्वायर थीटा अपॉन टेन स्क्वायर थीटा टू ए टेन थीटा डॉट सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा सेक स्क्वायर टेन स्क्वायर तो ये टू ए तो बाहर आ गया कॉन्स्टेंट कोसेक इनवर्स सेक थीटा अपॉन टेन थीटा स्क्वायर रूट ले लिया और टेन थीटा डॉट सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा क्या बचेगा सेक थीटा अपॉन टेन थीटा इज इक्व टू वन अपॉन कोसेक थीटा साइन रह जाएगा तो आई इज इक्व टू टू ए इंटीग्रेशन कोसेक इनवर्स सेक वन अपॉन साइन रह जाएगा केवल टेन थीटा सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा सेक अपॉन टेन इज इक्व टू वन अपॉन साइन एंड वन अपॉन साइन इज इक्व टू कोसेक तो कोसेक इनवर्स कोसेक थीटा टेन थीटा डॉट सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा और ये सिंस कोसेक इनवर्स ऑफ कोसेक एक्स इज इक्व टू एक्स तो ये आ गया टू ए थीटा डॉट टेन थीटा सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा ये फर्स्ट फंक्शन और ये सेकंड फंक्शन बाय पार्ट्स बाय टू ए फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ टेन थीटा सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ टेन डिफरेंशिएशन ऑफ थीटा इंटीग्रेशन ऑफ टेन थीटा sec square theta d theta the whole integration the 2a theta अभी देखिए डायरेक्ट इसका पहले निकाल चुके हैं अपन tan को sec square root t मानेंगे ये tan को t sec तो t square डायरेक्ट 2 ये आएगा tan square theta upon 2 माइनस ये तो हो गया 1 और ये tan square theta upon 1 upon 2 d theta तो ये 2a थीटा टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 2
माइनस वन बाई टू, और टेन स्क्वायर रिटर्न है सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन डी थीटा, ये ऐसे है। तो टू ए थीटा टेन स्क्वायर थीटा अपॉन टू माइनस वन बाई टू सेक स्क्वायर थीटा टेन थीटा माइनस थीटा, और इसको आगे सॉल्व करेंगे क्रॉस अंदर मल्टीप्लाई कर दें, दो से दो कैंसिल हो जाएगा, ए थीटा टेन स्क्वायर थीटा माइनस ए से कैंसिल ए टेन थीटा माइनस माइनस प्लस ए थीटा प्लस सी, थीटा की वैल्यू निकालनी है, इधर से मैं मिटा रहा हूँ भाई, थीटा यहाँ से निकालनी है, ये देखो तो टेन स्क्वायर थीटा तो हो गया अपना एक्स अपॉन ए, और क्या चाहिए टेन थीटा, देयरफॉर टेन थीटा इज इक्वल टू रूट एक्स अपॉन ए, ये वैल्यू पुट कर दीजिए, आई इज इक्वल टू ए थीटा, थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स थीटा इज इक्वल टू, और थीटा की वैल्यू निकालो भी टेन इनवर्स रूट एक्स अपॉन ए, तो टेन इनवर्स रूट एक्स अपॉन ए इंटू टेन स्क्वायर थीटा एक्स अपॉन ए, इधर आएगा भाई ए इंटू एक्स अपॉन ए माइनस ए टेन थीटा, टेन थीटा इज इक्वल टू ए रूट एक्स अपॉन ए प्लस ए थीटा, ए टेन इनवर्स रूट एक्स अपॉन ए, इन दोनों में से ए कैंसिल कॉमन आ रहा है, तो ये आ गया एक्स प्लस ए टेन इनवर्स रूट एक्स अपॉन ए और माइनस रूट ए एक्स प्लस सी। एग्जाम्पल नंबर 40 जैसा है ना, आंसर जरूर चेक कर लीजिए, 9.6 क्वेश्चन नंबर फिफ्थ का सेकंड पार्ट, एक्स प्लस ए टेन इनवर्स रूट एक्स अपॉन ए माइनस ए एक्स रूट ए एक्स प्लस सी, सही है, वही एग्जांपल 40 जैसा है। और बोलिए क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट, सिक्स का फर्स्ट, आई इंटीग्रेशन ऑफ साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब dx, ऑलरेडी फॉर्मूला देख रहा है साइन इनवर्स, तो यहाँ और कोई सब्स्टिट्यूट क्या पुट करना है, x इज इक्वल टू साइन थीटा, और डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा dx इज इक्वल टू cos थीटा d थीटा, तो i इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा और कॉस थीटा डी थीटा, ये साइन 3x का फॉर्मूला है, साइन इनवर्स ऑफ साइन 3x साइन 3 थीटा कॉस थीटा डी थीटा, और ये सिंस साइन इनवर्स ऑफ साइन x इज इक्वल टू x, ये आ गया i, ये 3 थीटा कॉस थीटा डी थीटा, आई 3 इज कॉन्स्टेंट थीटा डॉट कॉस थीटा डी थीटा, आईलेट के हिसाब से फर्स्ट फंक्शन एंड सेकेंड फंक्शन बाय पार्ट्स, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, तो आई इज इक्वल टू 3 फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन द होल इंटीग्रेशन 3 थीटा इंटीग्रेशन ऑफ कॉस साइन थीटा माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ थीटा इज 1 साइन थीटा डी थीटा, तो 3 थीटा साइन थीटा माइनस 3 इंटीग्रेशन ऑफ साइन थीटा डी थीटा, इंटीग्रेशन ऑफ साइन इज साइन थीटा माइनस 3 इंटू माइनस कॉस थीटा
तो थ्री थीटा साइन थीटा प्लस थ्री कॉस थीटा। अब यहाँ किसकी वैल्यू पुट करनी है हमें, थीटा साइन थीटा एंड कॉस थीटा। तो साइन थीटा की वैल्यू तो एक्स है, कॉस की निकालनी पड़ेगी, इसको कॉस की फॉर्म में लिखते, साइन की लिख दो, थ्री थीटा साइन थीटा प्लस थ्री अंडर रूट वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो पुट थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स। ये देखो यहाँ से थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स वैल्यू पुट कर दीजिए, आई इज इक्वल टू थ्री साइन थीटा की वैल्यू साइन इनवर्स एक्स इंटू साइन थीटा इंटू एक्स साइन थीटा प्लस थ्री अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर। तो आंसर आ गया इसका थ्री एक्स साइन इनवर्स एक्स प्लस थ्री अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर प्लस सी। आंसर आ रहा है, ये था क्वेश्चन नंबर सिक्स का फर्स्ट पार्ट। क्वेश्चन नंबर 13, इंटीग्रेशन आई इज इक्वल टू ई की पावर एक्स वन माइनस साइन एक्स अपॉन वन माइनस कॉस एक्स डी एक्स। एक ई की पावर एक्स के लिए एक फॉर्मूला बताया था आपको, ई की पावर एक्स एफ एक्स प्लस एफ डेस एक्स, ये फॉर्मूला है इंटीग्रेशन ऑफ ई की पावर एक्स एफ एक्स प्लस एफ डेस एक्स dx इज इक्वल टू e की पावर x एफ एक्स प्लस सी। जब भी e की पावर x हो तो आप इसमें कन्वर्ट करने की कोशिश करो उसको, ये हो जाएगा देखिए, ये e की पावर x वन माइनस साइन x अपॉन वन माइनस कॉस x इज रिटर्न एज टू साइन स्क्वायर x बाई टू, लिख सकते हैं। और यहाँ भी इसको बदल दो, साइन एक्स का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, टू साइन एक्स वाई टू एंड कॉस एक्स वाई टू डी एक्स, और वन माइनस कॉस एक्स इज रिटर्न एज टू साइन स्क्वायर एक्स वाई टू। वन माइनस साइन एक्स वन माइनस टू साइन एक्स वाई टू कॉस एक्स वाई टू, वन माइनस कॉस एक्स टू साइन स्क्वायर एक्स वाई टू। तो ये इंटीग्रेशन ई की पावर एक्स अलग अलग डिवाइड करते हैं, वन अपॉन टू साइन स्क्वायर एक्स वाई टू माइनस टू साइन एक्स वाई टू एंड कॉस एक्स वाई टू अपॉन टू साइन स्क्वायर एक्स वाई टू डी एक्स। इंटीग्रेशन ऑफ ई की पावर एक्स ये हो जाएगा वन अपॉन टू कॉस एक्स स्क्वायर एक्स वाई टू, माइनस टू से टू कैंसिल, स्क्वायर से ख़त्म, कॉस अपॉन साइन बचा क्या, कॉस एक्स वाई टू अपॉन साइन एक्स वाई टू डी एक्स। तो कन इंटीग्रल आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ बी की पावर एक्स वन अपॉन टू कॉस एक्स स्क्वायर एक्स वाई टू माइनस कॉट एक्स वाई टू, दिस इज ए एफ एक्स। इसको ऐसे लिख दीजिए, इंटीग्रेशन ऑफ पी की पावर एक्स माइनस कॉट एक्स बाई टू प्लस हाफ ऑफ कॉस एक्स स्क्वायर एक्स बाई टू, हेयर एफ एक्स इज इक्वल टू माइनस कॉट एक्स बाई टू, देयरफॉर एफ डैश एक्स इज इक्वल टू डिफरेंशिएशन ऑफ कॉट एक्स माइनस माइनस कॉस एक्स स्क्वायर एक्स वाई टू और एक्स वाई टू का वन बाई टू, तो एफ डैश एक्स इज इक्वल टू वन बाई टू कॉस एक्स स्क्वायर एक्स वाई टू। आगे फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ बी की पावर एक्स एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स, तो डायरेक्ट फॉर्मूला लग जाएगा, देयरफॉर आई इज इक्वल टू ई की पावर एक्स इंटू एफ एक्स, यह आ जाएगा आई इज इक्वल टू ई की पावर एक्स माइनस कॉट एक्स बाई टू प्लस सी, माइनस ई की पावर एक्स कॉट एक्स बाई टू प्लस सी।
जब भी e की पावर x साथ में है तो आपको इस फॉर्म में कन्वर्ट करने का कोशिश करनी चाहिए, ट्राई टू कन्वर्ट इन दिस फॉर्म। और आपको सिर्फ शो करना है fx कौन सा है, और f डैश x तो हमने ये शो कर दिया, fx इज माइनस कॉट x बाई टू एंड f डैश x इज ये रहा। तो फॉर्मूला लगा अपना e की पावर x fx प्लस f डैश dx, डायरेक्ट इंटीग्रेशन का फॉर्मूला e की पावर x fx प्लस c, ये फॉर्मूला लिखेंगे एंड साथ में आपको एफ एक्स एफ डैश एक्स शो करनी पड़ेगा, उसके बाद सीधा फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। ये था क्वेश्चन नंबर 13।